हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज दैट इज इकोनॉमिक सीरीज। तो उसका हम आज लेक्चर वन लेके आए हैं आपके सामने। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर वन। तो लेक्चर वन में जो हम आज टॉपिक कवर करेंगे वो है नेशनल इनकम। ठीक है, ये नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नेशनल इनकम। ठीक है, सबसे पहले नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, फिर हम ऑटोमेटिकली मूव करेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डील विद जीडीपी। देखिए, मैंने पूरे पॉइंट फ्रेम में बना रखा है, इसमें ईजी हो आपको याद करना। जीडीपी क्या होता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रिमेंबर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा फाइनल प्रोडक्ट में निकाला जाता है। कहने का मतलब ये होता है, लेट अस सपोज अगर रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मैंने कार बनाई, तो कार बनाने के लिए बहुत सा रॉ मटेरियल लगा होगा। ठीक है, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा कार का, ठीक है, वो जीडीपी में काउंट होगा। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट कि फाइनल प्रोडक्ट काउंट होता है, रॉ मटेरियल काउंट नहीं होता है। सेकंड, जीडीपी किस पे कैलकुलेट किया जाती है, गुड्स और सर्विसेज दोनों पे। ठीक है, गुड्स मतलब जो टेंजिबल होते हैं, ठीक है, और सर्विसेज जो टेंजिबल नहीं होती है, जैसे डॉक्टर्स, ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये टेंजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिए गुड्स और सर्विस दोनों में जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। अब जीडीपी कैलकुलेट की कैसे आती है, याद रखिएगा, लेट अस सपोज ये इंडिया है, ये मैंने इंडिया बना रखा है, इंडिया की टेरिटरी में, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। हो सकता है कोई यूएस की कंपनी इंडिया में वर्क कर रही हो, इंडियन टेरिटरी में, स्टिल उसके जो इनकम रहेगी वो किस में काउंट होगी, वो इंडियन जीडीपी में ही काउंट होगी। इसमें लिख भी रखा यूएसए इंडिया, कोई भी वर्क कर रहा हो इंडियन टेरिटरी में, वो काउंट होगा, ध्यान रखिएगा, जीडीपी में। ठीक है, इसका मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री की बाउंड्री पे कुछ भी प्रोडक्शन होता है वो जीडीपी में काउंट किया जाता है। याद रखिए ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज जीडीपी। एक नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं लिखा भी है, ओनली मैटर्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये मैटर करता है इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, नॉट बाय हुम। हो सकता है कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी, कोई फॉरेन कंट्री उसकी कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही हो, स्टिल इट वुड बी काउंटेड, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में है। ठीक है, इसलिए मैं लिखा ओनली मैटर्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, नॉट बाय हुम, कोई फॉरेन कंपनी भी होगी स्टिल इट वुड बी काउंटेड। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एक और खास पॉइंट है जीडीपी के बारे में कि नो इंक्लूजन ऑफ केयर इकोनॉमी। ठीक है, दिमाग में होगा सर केयर इकोनॉमी क्या होता है, याद रखिए जैसे आपकी मॉम है, ठीक है, वो घर में खाना बनाती हैं, ठीक है, तो वो एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं कि नहीं, बट क्या वो उसका कॉस्ट लेती हैं, नहीं लेती हैं। ध्यान रखिएगा ऐसी सर्विसेज जिसमें आप हेल्प करते हैं, ऐसी सर्विसेज काउंट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, नो इंक्लूजन ऑफ केयर इकोनॉमी, दैट इज होल जीडीपी। तो जीडीपी आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा, देखिए मैंने पॉइंट फ्रेम में लिख दिया, इसमें इट ईजी टू रिमेंबर। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा जीडीपी बढ़ती है देश की, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ये आपने बेसिक सुना होगा, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। उसके हिसाब से इंडिया की जीडीपी जो प्रेजेंटली है वो है 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स, दैट इज वर्ल्ड में रैंक 7th पे आती है, इंडिया की जीडीपी के टर्म्स में याद रखिएगा रैंक 7th में आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मान लीजिए कोई इंडियन पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया से बाहर अर्निंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूएई में अर्निंग कर रहा है, तो क्या उसकी इनकम इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी, क्यों? क्योंकि है तो वो इंडियन सिटीजन, बट ही इज नॉट अर्निंग इन इंडियन टेरिटरी। आप इंडियन टेरिटरी में अर्न करो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो कोई फॉरेन सिटीजन हो, तो जीडीपी में काउंट होगा, बट अगर आप इंडिया से बाहर अर्न कर रहे हो, दैट वुड नॉट गोइंग टू बी काउंट इन जीडीपी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत कॉमन टर्म है, नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एकदम क्लियर कर देता हूं नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या है। सबसे बेस्ट होता है रियल जीडीपी, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2010 में एक कार थी जिसका कॉस्ट था 3 लाख रुपीस, ठीक है, और लेट अस सपोज उस टाइम पर 4 कार बिकी, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी में कितनी कार बिकी, 4, तो कितनी जीडीपी हुई, मतलब 3 लाख की कार थी, फाइनल कॉस्ट यही है, मैंने कहा था ना फाइनल प्रोडक्ट पे काउंट होता है, रॉ मटेरियल पे नहीं, तो 3 × 4 मतलब 12 लाख रुपए 2010 की अर्निंग आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेट अस सपोज अभी 2019 में सेम कार की कीमत जो है लेट अस सपोज 6 लाख रुपए हो गई, मतलब बढ़ गई प्राइस कीमत, बट क्वांटिटी बिकने की क्वांटिटी 3 हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई, स्टिल अगर आप जीडीपी काउंट करेंगे तो 18 लाख आई। सोचिए प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, क्वांटिटी कम हो रही है, बट स्टिल जीडीपी बढ़ रही है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको ही पता चला सर एक्चुअली हुआ क्या है, प्राइस ऑफ द कार इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा नॉमिनल जीडीपी होती है कि उस टाइम पर जो भी प्राइस हो उससे अगर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी कॉस्ट आता है उसको कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, याद रखिएगा इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपको पता है 3 लाख से 6 लाख हो रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वी आर जस्ट काउंटिंग व्हाट कि प्रेजेंटली कितना कार का कॉस्ट है और कितना उसकी क्वांटिटी है उसके हिसाब। तो हमारे हिसाब से जीडीपी यहां पर क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। 2010 से 2019 की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुई है, देखिए। लेकिन आप सही क्या प्रैक्टिकली बात करें तो कहेंगे सर वो जीडीपी ग्रोथ कहां हुई, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई बिकने की, वो तो प्राइस बढ़ गया है, इन्फ्लेशन आ गया है, लेकिन हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते ही नहीं है नॉमिनल जीडीपी में। जबकि अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं, देखिए दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। रियल जीडीपी यहां पर पहली बात इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, कैसे, ये लोग क्या करते हैं, एकदम सेम एग्जांपल लूंगा, ये यहां पर एक पर्टिकुलर बेस ईयर चूज कर लेते हैं, क्या चूज कर लेते हैं, बेस ईयर। लेट अस सपोज इन्होंने बेस ईयर चूज किया 2010, जब भी मैंने आपको बताया 2010 इज अ बेस ईयर। ठीक है, इनका बेस ईयर 2010 है, उस टाइम पे प्राइस कितनी थी, प्राइस थी 3 लाख रुपए, अभी मैंने आपको बताया 3 लाख रुपए प्राइस थी, तो उन्होंने फिक्स कर लिया 2010 में कार की प्राइस है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो 2010 में कितना हुआ, 3 लाख × 4, अभी कोई 4 क्वांटिटी भी की तो कितना आया था, 12 लाख। अब जब 2019 का कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है, तो यहां पर हम वो कॉस्ट नहीं लेंगे जो अभी हो गई है, मतलब कौन सा कॉस्ट लेंगे, जो हमने फिक्स किया हुआ था, दैट इज बेस ईयर में जो हमने फिक्स किया था वो कितना था, 3 लाख ही था, और क्वांटिटी कितनी हो गई थी, याद है मैंने अभी बताया था आपको, 4 से लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 3 बताई थी, चलिए यहां पे मैं 3 ही लिख देता हूं आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो 3 × 3 मतलब कितना हुआ, 9 लाख। आप देख रहे हैं ना, मतलब यहां पर एक्चुअली अगर प्राइस की बात करें तो एक्चुअली तो 6 लाख है, बट हमने तब भी यहां पर क्या यूज किया है, 3 लाख, क्यों, क्योंकि हमने 3 लाख को फिक्स किया था। अब देखिए जीडीपी पहले 12 लाख थी, अब 9 लाख हो गई, मतलब क्या हुई, डिक्रीज हुई। देखिए वही एग्जांपल से मैंने आपको प्रूफ किया जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उसी एग्जांपल से मैंने प्रूफ कर दिया जीडीपी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये एकदम रियल है। ठीक है, याद रखिए इसको हम रियल जीडीपी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया है। ठीक है, तो बहुत एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया नॉमिनल और रियल जीडीपी में फर्क क्या होता है। रियल जीडीपी हम एक बेस ईयर डिसाइड कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं, अभी एट प्रेजेंट क्या प्राइस चल रहा है उससे मतलब नहीं है, जो बेस ईयर में फिक्स किया होगा प्राइस दैट वुड बी द प्राइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। अभी देखिए मैं एग्जांपल भी इसी एग्जांपल जो अपने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, याद रखिए वहां पे नॉमिनल जीडीपी 2019 में कितनी आई थी, फॉर एग्जांपल 2019 की बात कर रहे हैं, 18 लाख रुपए आपको याद होगा, मैंने 6 लाख × 3 किया था 18 लाख, और यहां पर लेट अस सपोज चेंज कर दिया था मैंने 9 लाख कर दिया था। ठीक है, ठीक है, तो 18 लाख बाय नॉम रियल जीडीपी, रियल जीडीपी 2019 की इतनी आई, उसमें भी मैंने मल्टीप्लाई किया था आपको 3 लाख की फिक्स किया था इंटू 3, ठीक है, तो कितना आया था 9 लाख, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि देखिए ये इन्फ्लेशन मेजर कर रहा है एक तरीके से, अगर देखा है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 18 लाख आना चाहिए जो अभी प्रेजेंटली प्राइस चल रहा है, बट रियल के हिसाब से कितना आया 9 लाख, तो मतलब 2 टाइम्स इन्फ्लेशन आ गया। एक तरीके से इन्फ्लेशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर है जीडीपी डिफ्लेटर, याद रखिए। तो इसने बताया 2 टाइम्स प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं। फैक्टर कॉस्ट, ये टर्म आई है फैक्ट्री से, कहने का मतलब मेजरिंग जीडीपी एट फैक्ट्री ओनली, मतलब जिस टाइम पर प्रोडक्शन हुआ उस टाइम पर फैक्ट्री से जहां प्रोडक्ट निकला उस टाइम पर आप उसका कॉस्ट बता दीजिए, वो है जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट। बट जब वो ट्रेवल करेगा लेट अस सपोज मार्केट तक पहुंचते पहुंचते बीच में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा और भी बहुत से कॉस्ट लगेंगे, और मार्केट में जाते हैं तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एट मेजरिंग जीडीपी एट मार्केट, मेजरिंग जीडीपी एट फैक्ट्री ओनली, फैक्ट्री पर ही मेजर करें। तो एक बात बताइए, लेट अस सपोज ये है फैक्ट्री,
ठीक है, यहां से कोई कॉस्ट बना, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना, अब वो पहुंचेगा मार्केट में। मार्केट में पहुंचते पहुंचते बीच में क्या ऐड होंगे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे, सरकार उसमें टैक्सेस ऐड करेगी, ठीक है। और हो सकता है सरकार ये भी चाहे कि यार सब्सिडी हम हटा दें, सब्सिडी भी प्रोवाइड करें। सब्सिडी प्रोवाइड करने का मतलब सरकार उसमें कुछ रिबेट देगी कि मैं चाहती हूँ ये प्रोडक्ट इतने ज्यादा से नहीं बने, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का है तो मैं चाहती हूँ ये 8 रुपए में बिके, मतलब सरकार 2 रुपए का कॉस्ट गवर्नमेंट खुद से देगी। तो इसका मतलब फैक्ट्री में लेट अस सपोज कोई प्रोडक्ट बना है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे, और जो सरकार सब्सिडी दे रही है इसमें उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा ना जाए वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे हम सब्सिडी को, अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट से अगर सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, मार्केट प्राइस मिल जाता है। कहने का मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज व्हाट, जीडीपी एट फैक्ट्री को एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, मतलब जो भी फैक्ट्री फैक्टर कॉस्ट होगा प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का हमें रिलेशन बनाया है, सिंपल टर्म्स में यहां पे भी देख सकते हैं। मार्केट प्राइस क्या होगा भाई, जो भी फैक्टर कॉस्ट होगा, मतलब जो भी फैक्ट्री में जो उसका फैक्टर कॉस्ट लगा होगा प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ऐड हुए होंगे माइनस सब्सिडी। और मैं पूछूं फैक्टर कॉस्ट निकालो तो कुछ नहीं, इसको इस साइड ले जाना आप, तो फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। बस मैंने मैथमेटिक बस को अपोजिट किया, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आगे हेल्प मिलेगा अपन को, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीडीपी एट एमपी 4 फॉर्मूले दे देंगे कौन सा सही है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं जीडीपी को कैसे मेजर करते हैं। देखिए वैसे तो 3 तरीके हैं, ठीक है, एक है इनकम मेथड जो यूज नहीं किया जाता है, जितनी भी सबकी इनकम होती है उनको ऐड करके हम जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट एक्चुअली याद रखिए दिस इज नॉट यूज्ड इन इंडिया। सेकेंड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, यस दिस इज यूज्ड इन इंडिया, इवन वैल्यू एडेड मेथड भी यूज किया जाता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल फॉर्मूला देख लीजिए। एक्सपेंडिचर के अंदर 5 कंपोनेंट है, क्या क्या है, कंजम्पशन, ठीक है, एक हाउस होल्ड है, मान लीजिए मैं एक घर में रहता हूं तो मेरा कुछ कंजम्पशन होगा कि नहीं, मतलब कंजम्पशन यहाँ पे हम प्राइवेट कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन होगा, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्लस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट भी कुछ स्पेंडिंग कर रही होगी, खर्चे कर रही होगी, है ना, अलग अलग चीजों पर, तो वो ऐड करेंगे, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे होंगे हम और जो हम इंपोर्ट आ रहा होगा उसको माइनस कर देंगे, तो ये जो इनकम आएगी टोटल ये होती है जीडीपी, ये कैलकुलेट थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। फॉर्मूला भी दे सकते हैं, मैंने एक्सपेंडिचर का वाई को जीडीपी काउंट कर लिया था, सपोज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो याद रखिएगा ये जीडीपी का कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें बेसिक टर्म्स बिल्कुल याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए हम ऊपर चलते हैं, जो अगला टॉपिक हमारा है इस पर एक शॉर्ट नोट और रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। देखिए ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, सरकार स्पेंडिंग करती है, बिल्कुल स्पेंड करती, खर्चे करती है, आपको बताओ गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि सरकार ने अभी आपने सुना होगा कि आपके डायरेक्टली अकाउंट में पैसे डाल देती है बिना कुछ किए, मतलब यू हैव नॉट डन एनीथिंग, स्टिल गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए थे। फार्मर्स को सरकार लोन दे रही है ना, बिना कुछ किए उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, 6,000 रुपये बोले गए कि हर हम साल में एक फार्मर्स को देंगे फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो ये कैश ट्रांसफर कर देती है, इसको कहते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट, जो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो खास पॉइंट ये है, जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, दैट इज अब याद आपको आई एम डीलिंग विद एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बताई थी, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, ये मैं बताना चाहता था कि वहां पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसमें ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है ना, इन एक्सपेंडिचर मेथड मैंने लिखा है। प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, क्या सोशल सिक्योरिटी सरकार की, जो सरकार गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आता है इन कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो इट डज नॉट इंक्लूड, याद रखिए। व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट, जस्ट गवर्नमेंट विच प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, जैसे कैश ट्रांसफर करना, इन सबको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थर्ड जो मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने का वो है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, बहुत सिंपल है, जीडीपी वर्सेस जीवीए भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो याद रखिए जीवीए क्या होता है, ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है ना, जीडीपी पूरे इंडिया टेरिटरी के स्पेसिफिक है, जबकि पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक होता है। मैं आपको बताता हूं, लेट अस सपोज ये स्टील इंडस्ट्री है, कोई एक स्टील इंडस्ट्री उठाते हैं ए, इसमें हमने इनपुट दिया, लेट अस सपोज एक्स इनपुट दिया हमने, उससे हमें आउटपुट मिला, लेट अस सपोज वाई आउटपुट मिला, ठीक है, तो हमें बेनिफिट कितना हुआ, कितना आउटपुट ऐड किया
स्टील इंडस्ट्री ने, तो होगा वाई माइनस एक्स, 200 रुपए मिला 100 लगाए, मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए बेनिफिट हुआ है ना, 300 रुपए मिले और 100 लगाए थे तो 200 बेनिफिट हुआ, तो जीवीए क्या होगा, वाई माइनस एक्स ऑफ दैट स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लो मैं चाहता हूं इंडिया की सारी स्टील इंडस्ट्री का जीवीए बता दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सारी स्टील इंडस्ट्री का आउटपुट निकाल लीजिए, सारी स्टील इंडस्ट्री का इनपुट निकाल लीजिए, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आ जाएगा सारी स्टील इंडस्ट्री का कितना जीवीए रहा है। ठीक है, और आपको पूरे इंडिया का निकालना हो, ठीक है, तो अब जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबका जीवीए निकाल लीजिए, उन सबको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द जीडीपी ऑफ द कंट्री ओनली। ठीक है, तो जीवीए और जीडीपी में आप समझे, जीवीए क्या होता है, थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है, मतलब एक सेक्टर स्पेसिफिक है, तो हम पहचान सकते हैं किस सेक्टर में क्या इश्यूज हैं, है ना। जीडीपी अब हमको ये नहीं पता चलता है कि किस एरियाज में इश्यूज हैं, तो यहां पे ये एक एडवांटेज है जीवीए के साथ। ठीक है, तो याद रखिए व्हाट आर जीवीए। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं लिखे, जीवीए ऑफ ऑल सेक्टर लीड टू जीडीपी ऑफ द कंट्री। आप पूरे एरिया का अगर सेक्टर जीवीए ऐड कर देते पूरे कंट्री का, तो आपको क्या मिल जाती है, कंट्री की जीडीपी मिल जाती है। ठीक है, इट इज ज्यादा बेटर मेथड है जीवीए। ठीक है, क्योंकि इसमें सेक्टर पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन जीडीपी की बात करूं तो बहुत बेसिक है, आपने सुना होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंपोनेंट। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, क्वेरिंग मतलब पत्थर तोड़ना। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो याद रखिएगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये सब किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर में। तो याद रखिए सारे कंपोनेंट्स है किसके, इंडियन जीडीपी कैलकुलेट करने में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे का, इस बार इकोनॉमिक सर्वे तो ऑफकोर्स नहीं आया था, लास्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया था भाई, सीएसओ। सीएसओ क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीएसओ ने ये बोला था कि टोटल फाइव, मतलब ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो तीन है बट टोटल फाइव सेक्टर्स आते हैं। ठीक है, ब्रॉड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बट टोटल फाइव बताया था उन्होंने। पहला बताया था एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वारलिंग। ठीक है, सेकेंड बताया था मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड बताया था ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और फोर्थ सेक्टर बहुत न्यूज में था, फायर सेक्टर भी कहा था। पूछा सकता है फायर का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, याद रखिएगा। और फिफ्थ उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो ध्यान रखिएगा सीएसओ के अकॉर्डिंग फाइव सेक्टर्स हैं, इन थ्री सेक्टर्स को डिवाइड किया गया इन फाइव सेक्टर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिससे अपन जीडीपी पढ़ लिया पूरा, उससे आता है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, नेशनल आ रहा है, मतलब ये नेशनैलिटी की बात करता है। जीडीपी में याद होगा आपको, जब मैंने कोई इंडियन टेरिटरी लिया था तो उसमें इंडिया काउंट किया था, मतलब इंडिया में जो इनकम हो रही है टेरिटरी में वो सब काउंट किया था। बट यहाँ पर याद रखिएगा सिर्फ इंडियन की इनकम काउंट होगी, अगर कोई यूएस की कंपनी इंडिया में वर्क कर रही है तो वो काउंट नहीं होगी। कहने का मतलब मैं सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, जीएनपी अगर कैलकुलेट करना है तो जीडीपी जितना भी है, ठीक है जीडीपी तो है ही अपन को पता है, इसमें से अपन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दें। कहने का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आपको बता देता हूँ होता क्या है। लेट अस सपोज इंडिया में लेट अस सपोज यूएस की कंपनी है और यूएस की कंपनी अर्न कर रही है लेट अस सपोज 30 रुपीज, कितना अर्न कर रही है 30 रुपीज। ठीक है, और इंडियन कंपनी लेट अस सपोज यूएस में है और वो अर्न कर रही वहां पर 40 रुपीज। ठीक है, तो बताइए 40 हमको मिल रहा है तो 40 एग्जांपल लेता हूं, जो मैंने लिखा है मैं वही एग्जांपल लेता हूं। एनएफआई क्या है, 10 रुपए अर्न कर रही है हमारे सिटीजन्स जो अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं वो 10 रुपए वर्क कर रहे हैं, और इंडिया में जो बाहर के सिटीजन्स रह रहे हैं वो 30 रुपए अर्न कर रहे हैं। तो बताइए नेट फैक्टर इनकम कितना आएगा, -20 रुपीज। हमें घाटा है क्योंकि हमारे कम अर्न कर रहे हैं, उनके हमारे इंडिया से ज्यादा ले जा रहे हैं, तो याद रखिएगा -20 आएगा। ठीक है, तो जीडीपी में एक तरीके से प्लस ब्रैकेट में -20 लिखेंगे तो एक्चुअली जीएनपी जीडीपी से कम हो जाएगी क्योंकि इसे -20 हो रहा है। तो जीएनपी जीडीपी से बड़ी कब होगी, लॉजिकल है जब हमारे लोग जो बाहर अर्न कर रहे हैं वो ज्यादा करेंगे तो। ठीक है, तो याद रखिएगा जीएनपी क्या होता है, दैट इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होता है, बाहर से कितना आ रहा है हमें और यहां से बाहर कितना भेजना है। आपने वर्ड सुना होगा रेमिटेंसेस, आगे मैं इस वर्ड को और क्लियर करूंगा। आईएमएफ में बता दूं रैंकिंग निकालती है ऑन द बेसिस ऑफ जीएनपी नॉट जीडीपी, याद रखिएगा। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम बात करते हैं एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी क्या होता है, ठीक है एनडीपी क्या होता है, देखिए एनडीपी इज नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन का एक दूसरा वर्ड भी है जो कॉमनली है, उसे कहते हैं हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। रिमेंबर दैट इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ
फिक्स कैपिटल, दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब याद रखिएगा आपकी जो मशीन्स वगैरह हैं उनकी वैल्यू भी क्या होती है, ध्यान रखिएगा जो वैल्यूज हैं वो भी क्या होती है, डिक्लाइन करती है वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज जब मतलब कोई भी कंपनी है, सॉरी कोई भी याद रखिए कोई इक्विपमेंट है, मशीन्स है, तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन करेगी कि नहीं करेगी, तो वो डिक्लाइन वैल्यू जितनी कर रही है उसको हम जीडीपी से माइनस कर दें, ठीक है, जितना भी डिक्लाइन कर रही है, तो हम किस में आ जाते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो याद रखिए एनडीपी इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एनएनपी क्या होता है। अभी अपन ने पढ़ा एनडीपी क्या होता है, याद है मैंने बताया जीडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्या, एनडीपी। अब हम पढ़ने वाले नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है, क्या देखिएगा एनएनपी क्या होता है, जीएनपी में आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। मतलब जीएनपी क्या था, अभी उससे पहले कैलकुलेट किया था अभी अपन ने, जीएनपी क्या था, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी देखिए मैंने लिखा भी, एनएनपी क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। आप चाहो तो जीएनपी को यहां लिख सकते हो, जीएनपी क्या था, जीडीपी प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसको क्या कहते हैं अपन, एनएनपी कहते हैं। इसी को एनएनपी को अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करूं, बताइए अभी मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था कुछ देर पहले, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, पहले मैं मार्केट प्राइस का बताया था आपको, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, याद आ रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट का क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होगा मार्केट प्राइस व्हाट देन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, याद है मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया भी था क्या, जैसे नोट डाउन किया होगा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, एनएफआईए वही का वही हम लिख देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन वही लिख देंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ध्यान रखिएगा माइनस है प्लस नहीं होगा क्योंकि इस साइड आ गया, अपन फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। और इस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम कहते हैं नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो पूछा जाता है नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो याद रखिएगा फैक्टर कॉस्ट पे, ये ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहां पर हमने कंप्लीट किया अपना एनएनपी। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ठीक है, इट इज एवरेज इनकम अर्नड बाय पर पर्सन इन अ स्पेसिफाइड ईयर। मतलब एक एवरेज इनकम एक व्यक्ति कितना कमाता है उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन क्या आ सकता है, पर कैपिटा इनकम में ऑफ कोर्स मतलब जितनी भी जनसंख्या होगी आपकी पॉपुलेशन उसको ऊपर क्या लिखेंगे हम, तो याद रखिए ऊपर हम लिखते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट हम यहां पे लिखते हैं। पूछा सकते हैं यहां पे जीडीपी लिखेंगे, एनडीपी लिखेंगे, एनएनपी लिखेंगे, तो याद रखिए आंसर वुड बी व्हाट, एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यहां पर हम फर्स्ट लेक्चर अपना ओवर करते हैं, व्हाट वी हैव डन टुडे, हमने जीडीपी देखा है, फिर देन वी हैव डन नॉमिनल रियल जीडीपी देखा, फिर हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखा, देन वी हैव डन जीडीपी डिफ्लेटर ऑल्सो, उसके बाद हमने जीडीपी डिफ्लेटर के बाद हमने किस तरह में जीडीपी को मेजर किया जाता है, तीन मेथड में से दो मेथड इंडिया में यूज भी किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, उसमें मैंने जीवीए आपको बताया, जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, देन विल मूव टुवर्ड्स कंपोनेंट्स, फिर हमने जीएनपी एनएनपी और एनडीपी ये हमने सारे कॉन्सेप्ट, और लास्ट में पर कैपिटा इनकम, ये हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अभी और टॉपिक्स हैं, अभी आगे हम बढ़ेंगे अपने नेशनल इनकम में, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी ये सब भी डिस्कस करना है आगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो आप उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इसमें हम इस इकोनॉमिक सीरीज को सॉरी कंटिन्यू करते रहें, और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप चाहते हैं ये सीरीज आगे कंटिन्यू हो, तो जरूर कमेंट करें, इसमें हम इसके आगे लेक्चर्स बनाएं। थैंक यू।